आपके सामने हमारे 10-10 की टीम होगी फ्लैश, और कहीं ना कहीं अगर आप आज के शेयर्स देखें खबरों वाले, उनमें हिंडाल्को सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, जहां नोवेलिस का यूएस आईपीओ फाइल हो गया है अच्छे वैल्यूएशंस पे। और ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि मार्केट से थोड़ा बेहतर वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आता हुआ नजर पड़ रहा है। एक बड़ी सब्सिडरी है उनकी यूएस में। ONGC और ऑयल इंडिया दोनों ही शेयर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल खास करके ब्रेंट ऑयल $84 के पार हो गया है, और कल 3-4% स्टॉक जो क्रूड ऑयल का है वो ऊपर जाता हुआ नजर पड़ा है क्योंकि ओपेक की जो मीटिंग होने वाली है उसके पहले पहले जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। RR केबल, EPL और मेड प्लस काफी शानदार क्वार्टरली नंबर्स रहे हैं जिनके आधार पे ये स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, पिछले हफ्ते ब्रोकरेज रिपोर्ट और जो आज रिजल्ट्स आए हैं 50% से ज़्यादा की आपको प्रॉफिट और एबिटा ग्रोथ मिली है जिसके कारण ये स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। SEPC मार्जिन्स बहुत ही शानदार रहे हैं Q4 के। NBCC जबरदस्त रियल एस्टेट सेल्स क्वार्टर के, जिसके बाद आपको ये स्टॉक फोकस में रहेगा, लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। ब्रिगेड एंटरप्राइज भी बैंगलोर और साउथ मार्केट के रियल एस्टेट सेल्स को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी शानदार नंबर्स, और यहाँ भी आपने ज़बरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन और एबिटा ग्रोथ आता हुआ देखा है। तो रिजल्ट्स के आधार पर काफ़ी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ओके, नंबर पर पूरा फोकस है और कुछ खबरें भी हैं। PNB हाउसिंग पहला स्टॉक, जहाँ पे एक पी फंड है जो अपने स्टेक बेचना चाहता है 2.68%। ग्रासिम को मिस रखा है क्योंकि नोवेलिस का IPO फाइल हुआ है, तो उस पर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है। AB फैशन के नंबर अच्छे, ITD सीमेंटेशन के नंबर बहुत अच्छे, अमर राजा के नंबर भी YOY काफ़ी बढ़िया है। राइट्स, ईपैक, ड्यूरेबल, ITI बहुत वीक नंबर है। EIL के भी नंबर आपको प्राइवेट फसल देखने में कमज़ोर लगेंगे, लेकिन तेज नंबर है यहाँ पे। और NTPC इसलिए क्योंकि CLSA ने सरकारी कंपनियों पर चुनाव के मद्देनजर एक रिपोर्ट जारी की है। ओके, तो आपने टीम्स को देखा, थोड़ा जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था उससे ज़्यादा का ये गिरावट है, 125 अंक नीचे 22,762। राजेश जी गुड मॉर्निंग। टीम्स को देखा आप, नीरज जी की और यतिन की, बेस्ट ट्रेड्स क्या नज़र आ रहे हैं आपको इसमें? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन। देखिए, अगर यतिन जी की टीम देखें तो जो सबसे बढ़िया है वो तो एक नंबर वाला हिंडाल्को ही है। जबरदस्त स्ट्रेंथ अभी भी मेंटेन है। जो ओपन हो रहा है वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, प्रोबेबली एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा जिसका टारगेट होगा 710 से 715। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 680 का। नीरज जी की टीम देखें तो जो सबसे बढ़िया चार्ट है वो है अमारा राजा बैटरीज का। ओवरऑल आज अगर देखें तो एक साइड भी चल रहा है, अमारा राजा भी चल रहा है, तो यहाँ पे ट्रैक्शन है अच्छा, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। तो अमारा राजा बैटरीज इसका टारगेट मुझे लगता है 1300 से लेकर 1320 का बनेगा स्विंग ट्रेड का। तो अमारा राजा बैटरीज को बाय करें, स्टॉप लॉस होगा 1220 का। ओके, तो ये फिलहाल वो दो